नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा आठवीं के इतिहास विषय का पांचवा पाठ सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण को लेकर प्रस्तुत हैं। हमारे यूट्यूब चैनल बटरफ्लाई में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ नई विचारधाराएं, नई संकल्पनाएं, नए दर्शन आदि का भी प्रसार हुआ। इसी तरह पश्चिमी विचार संस्कृति का भारतीयों से परिचय हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। भारतीय समाज का पिछड़ापन, उसकी अंधश्रद्धा, रूढ़ी प्रेता, जाति भेद, ऊंच नीच की भ्रामक मान्यताओं और जिज्ञासाहीन तथा विश्लेषणात्मक वृत्ति के अभाव में नहीं थे। इसका बोध शिक्षित समाज को होने लगा। देश को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए भारतीय समाज में व्याप्त दोषों और अनिष्ट प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने तथा मानवता, समता, बंधुता पर आधारित नव समाज निर्माण करने की आवश्यकता थी। भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित विचारक अपनी लेखनी द्वारा जन जागरण करने लगे। तत्कालीन भारत के में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। धर्म सुधार एवं समाज सुधार का युद्ध, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रांत में ब्राह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने अनेक भाषाओं और धर्मों का अध्ययन किया था। इसमें से उनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास हुआ। एक ईश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्मकांड के प्रति विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना आदि ब्राह्म समाज के तत्व थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा पद्धति का विरोध किया, विधवा विवाह, नारी शिक्षा का समर्थन किया, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी भांति संवाद, कौमुदी, समाचार पत्र द्वारा जन जागरण का कार्य किया। प्रार्थना समाज। दादोबा पांडुरंग तरखड़कर ने 1848 में मुंबई में परमहंस सभा की स्थापना की। कालांतर में परमहंस सभा विसर्जित हुई और उसी के कुछ सदस्यों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबा के बंधु डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। मुंबई विश्वविद्यालय के युवा स्नातक इस संस्था से जुड़ जाने से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। प्रार्थना समाज का कार्य न्यायमूर्ति राम महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर राघव भांडारकर ने आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा के प्रति विरोध, एकेश्वरवाद, कर्मकांड को विरोध, प्रार्थना समाज के कुछ सिद्धांत हैं। वे उपासना और प्रार्थना पर बल देते थे। प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दृष्टि से अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला, दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की। प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की तथा उनके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज ने समता सिद्धांत पर आधारित समाज निर्माण करने का कार्य किया। उन्होंने छुआछूत प्रथा का विरोध किया। साथ ही बहुजन समाज की शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। महात्मा ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणाचे कश्यप, ब्राह्मणों का कौशल, गुलामगिरी, शीतकर्याचा आशूर, किसानों का चाबुक, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी पुस्तकों के माध्यम से समाज का पुनर्जागरण किया। स्त्री पुरुष अथवा मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाली रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की। आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों पर भाष्य करने वाला सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। उन्होंने प्रतिपादन किया कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है तथा उसमें जाति पाति को स्थान नहीं था। आर्य समाज का घोषवाक्य वेदों की ओर चलिए था। आर्य समाज की संपूर्ण भारत में शाखाएं खुल गईं। आर्य समाज के माध्यम से स्थान स्थान पर शिक्षा संस्थान खुल गए। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने लोक सेवा के अनेक कार्य किए। इस मिशन ने अकालग्रस्तों की सहायता करना, रोगी दीन दुर्बलों को औषधियों की सहायता पहुंचाना, स्त्री शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में कार्य किया और आज भी यह कार्य कर रहा है। स्वामी विवेकानंद उत्तम वक्ता थे।
उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत के युवाओं को संदेश देते हुए कहा, उठो, जाग जाओ और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। सिख समाज में सुधार। सिख धर्म में सुधार लाने के लिए अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई। इस संस्था ने सिख समाज में शिक्षा प्रसार और आधुनिकीकरण का कार्य किया। कालांतर में अकाली आंदोलन ने सिख समाज में चलने वाली सुधारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। स्त्री विषयक सुधार। जब ब्रिटिश सत्ता का भारत में विस्तार हुआ तब भारत की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उनके साथ समानता के व्यवहार नहीं किया जाता था। समाज में बाल विवाह, वृद्ध कुमारी विवाह, दहेज पद्धति, सती प्रथा, केशोपन, विधवा विवाह को विरोध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बेटिंग को सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को बनाने के लिए राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक ने सहायता की। गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकवादी ने शतपत्रों द्वारा स्त्री पुरुषों समानता का समर्थन किया। महात्मा फुले ने 1849 ईस्वी में पुणे के भिड़े बाड़ा में लड़कियों की पहली पाठशाला खोली। इस कार्य में उनकी पत्नी सावित्री बाई का सहयोग प्राप्त हुआ। समाज के कर्मकांडी लोगों द्वारा की गई आलोचना निंदा को सहकर भी सावित्री बाई फुले ने शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया। महात्मा फुले ने अपने घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया। केशोपन की पद्धति बंद हो इसलिए उन्होंने नाइयों की हड़ताल करवाई। विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त करा देने के लिए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंदलू ने विशेष प्रयास किए। गोपाल गणेश आगरकर ने अपने सुधारक समाचार पत्र द्वारा बाल विवाह कानून पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। महर्षि विठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी प्रथा के विरुद्ध परिषद का आयोजन कराया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना द्वारा ग्रंथ द्वारा अत्यंत ज्वलंत और कठोर भाषा में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने पुणे में अनाथ बालिकाश्रम प्रारंभ किया। विधवाओं परित्यक्ताओं के साथ सभी महिला शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके यह उनका उद्देश्य था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में 20वीं शताब्दी का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खुला। पंडित रमाबाई ने शारदाश्रम संस्था की स्थापना कर दिव्यांग बच्चों लड़कियों के भरण पोषण का दायित्व स्वीकारा। रामाबाई रांडे ने सेवा सदन संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए परिचारिका नर्स पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने सरकार के पास मांग की कि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने लेखन द्वारा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को वाणी दी। महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्त्री सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप समाज में प्रचलित अनिष्ट और अन्यायकारी प्रथाएं बंद होने में सहायता मिली। स्त्रियों की समस्याओं को वाणी मिली। महिलाएं अपने विचार लेखन द्वारा व्यक्त करने लगी। शिक्षा के फलस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका कार्य और कर्तव्य निखार पा रहा है। थोड़ा सोचो, यदि समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा का प्रारंभ नहीं किया होता तो वर्तमान समय में स्त्रियों के जीवन में शिक्षा के कारण कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि आज भी स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है? यदि हाँ तो कौन कौन से प्रयास करने चाहिए? मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। अब्दुल लतीफ ने मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ किया। उन्होंने बंगाल प्रांत में द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी संस्था की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कालांतर में इसी कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन हुआ। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी का समर्थन किया। उनका दृढ़ मत था कि जब तक मुस्लिम समाज पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का अंगीकार नहीं करेगा तब तक उनकी उन्नति नहीं होगी। हिंदू समाज में आंदोलन। हिंदू समाज को सम्मान का स्थान मिले इसलिए 1915 में ईस्वी में हिंदू महासभा संगठन की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। डॉक्टर केशव बलिराम हेड़ेवार ने 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में स्थापना की। हिंदुत्ववादी युवाओं का अनुशासनबद्ध और चरित्र संपन्न संगठन खड़ा करना उनका उद्देश्य था। स्वातंत्र वीर बी दास सावरकर ने रत्नगिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया जहां हिंदू धर्म की सभी जातियों को खुला प्रवेश था। सहभोज आदि उपक्रम चलाए।
क्या तुम जानते हो? अन्य क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रतिक्रिया। सुधार आंदोलन की भांति ही पुनर्जागरण युग में साहित्य, कला और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति भी महत्वपूर्ण थी। साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को, विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके आधार पर भारत की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। इस प्रगति के परिणामस्वरूप आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। कहानियों, उपन्यासों द्वारा स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने लगी। समाज सुधार का विचार भी मुखर होने लगा। इस कालखंड में महिलाएं भी लेखन करने लगी। नए समाचार पत्र और पत्रिकाएं समाज सुधार और राजनीतिक जागरण का आह्वान करने वाले साधन बनी। इस कालखंड में कला क्षेत्र में भी उन्नति हो गई। संगीत आधिकारिक लोकाभिमुख होने लगा। भारतीय शैली और पश्चिमी तकनीकी के मेल से नई चित्रकला का उदय हुआ। विज्ञान से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी जाने लगी। भारत की उन्नति के लिए प्रयोगशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो महत्व है उसका बोध लोगों को होने लगा। आधुनिक भारत के इतिहास में पुनर्जागरण की यह अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रवाद जैसे विचारों से अभिभूत सुधारकों ने राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। इसका हम अध्ययन अगले पाठ में करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।